21,780 स्क्वायर फुट, रिवर टच भी है और ये वाटर व्यू को भी है। मेरे खुद के नाम की ये प्रॉपर्टी है, ये अपने जस्ट अभी लॉन्च किया हुआ है। इधर अपकमिंग संगमनेर हाईवे आने वाला है, आप ये पानी देख रहे हो, 12 महीना नहीं रहता है मगर 10 महीना रहता है ये पानी। इसके सामने भी मेरी प्रॉपर्टी है, वो जस्ट बेची मैंने अभी। ऑलरेडी इधर मैंने 75 एकर्स बेच चुका हूँ। खुला आसमान, ब्यूटीफुल वाटर व्यू प्रॉपर्टी है। छोटे छोटे प्लॉट्स निकाले हैं मैंने कि हर एक को, किसी को वाटर व्यू मिलेगा, किसी को वाटर टच मिलेगा, किसी को रोड का बड़ा फ्रंट मिलेगा। ये लेफ़्ट साइड वाली मेरी प्रॉपर्टी है, इधर ये जो पानी है इसको वाटर व्यू मिलेगा। ड्रोन से भी मैं आपको दिखाऊंगा तो आइडिया आ जाएगा। बाजू में ऑलरेडी गांव है तो आपको लेबर्स भी चाहिए मिल जाएंगे। 36 एकड़ मैंने गौशाला वाले को दिया हुआ है, आप ये ड्रोन से अभी देख सकते हो पूरी प्रॉपर्टी का व्यू। इधर 49,000 स्क्वायर फुट अभी ये राइट वाली है, ये भी मैं एक्वायर कर रहा हूँ, इधर टोकन दे चुका हूँ, वो आने वाले टाइम में। राइट नाउ तो अभी फ़िलहाल मेरे नाम से हो चुका है। ड्रोन शूट से अभी आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा जगह का, ये देखिए पूरा का पूरा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इधर एक सासू भाई वाटरफॉल्स है, पिकनिक स्पॉट है, आप जब भी आओ तो इधर, जब हार्डली 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये। एक पानी का धबधबा भी है, ये देखिए वाटरफॉल्स देखिए, बहुत सेफर वाटरफॉल है। इसका भी व्यू दिखाता हूँ मैं आपको क्लियरली, ये देखिए क्या पानी, ये देखिए। और इसके आगे छोटा सा एक पॉन्ड बना हुआ है जिधर आराम से बैठ के आप लोग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए छोटा सा पॉन्ड, मस्त वाटरफॉल, मत छोटे से प्लॉट, रिवर व्यू, बाजू में वाटरफॉल्स। आने वाला टाइम में रेट्स बढ़ने वाला, क्योंकि इसके मेरी जगह के आगे से 8 किलोमीटर पे बहुत बड़ा मुर्गी धरन आने वाला है, तो वाटर लेवल और अच्छा मिलेगा आपको। ये देखिए खुला आसमान, असंगाव स्टेशन से आधा घंटे पे ये प्रॉपर्टी है मेरी। रेगुलर जीप बस वगैरह सब आती रहती है, शेयर जीप भी रहती है, आपके लेबर को आना जाना रहेगा तो आराम से आ जा सकते हैं। ये मस्त पानी का धबधबा, और ये जो ब्रिज है इसके इधर से ये मेरी प्रॉपर्टी सामने शुरू, ये जो कार खड़ी उधर के आगे से ये प्रॉपर्टी शुरू हो गई। जो ये पीछे वाला जो दिख रहा है वो पानी को टच है, ये मेरी प्रॉपर्टी। कंटूर लैंड है तो हर एक को बंगलों को अच्छा व्यू मिलेगा। मैंने ऐसे ही सेम कंटूर वाली जगह ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान को दी हुई है जॉइंट वेंचर में। ये देखिए ये टच वाला प्रॉपर्टी, इधर से वाटर टच होता है, ये पूरी प्रॉपर्टी अपनी। ये अपना वर्किंग पैटर्न है, प्रॉपर्टी लेने का बड़ा वाला पार्सल और छोटा छोटा करके देने का, तो हर एक का बजट पूरा हो जाता है। रेनी सीजन का व्यू है, समर सीजन का भी मैं व्यू दिखाऊंगा आपको, तब पानी नहीं रहता है समर सीज़न में, मगर बहुत पॉल्यूशन फ्री वाला ये एरिया है। इधर एयर क्वालिटी 38-40 है, मुंबई में आज 200 पॉल्यूशन वाला एरिया, लोनावला भी आज 65 हो चुका है, तो एकदम नॉन पोल्यूटेड एरिया में आप देख सकते हो। बैक साइड से अभी अपन अपने प्रॉपर्टी में आए, ये लेफ्ट वाला कंट्रोल वाली ये प्रॉपर्टी थी, ये कार खड़ी है उधर डांबर रोड टच तक, ये अपनी प्रॉपर्टी है। हिल टॉप विथ वाटर, मतलब माउंटेन के ऊपर तो है ही है, बाकी भी पानी लग के ऐसी प्रॉपर्टियाँ नहीं मिलेगी। आप स्काई देखिए ना पूरा, ये एक्चुअल अपनी प्रॉपर्टी का जिधर प्लॉटिंग कर रहे हैं अपन, उसका व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये डांबर रोड 400 फुट का तो डांबर रोड टच फ्रंट है, ये वाटर व्यू जो बंगलोस को मिलेंगे। इधर ये गौशाला को जिनको दिया वो भी गाय इधर पानी पीने अपने पास आ रही है, अभी घास वगैरह चरने को आती है। ये देखिए इधर आप बंगलो बना दिए गए माउंटेन के ऊपर, थोड़ा कंटूर वाला प्रॉपर्टी इसके लिए लिया है क्योंकि इधर से हर एक को वैल्यू व्यू मिलेगा। इधर से देखिए बंगलो अगर बनाया तो इधर से व्यू कैसा दिखेगा पानी का आपको,
किसी को बैक साइड में पानी टच मिलेगा। ये सब गौशाला की गाय है, शाह करके है परेल के, उन्होंने लिया हुआ है प्रॉपर्टी मेरा 36 एकड़। ये गौशाला का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए क्या मस्त बनाया इन्होंने, अपनी प्रॉपर्टी से 2-3 किलोमीटर पहले है। इन्होंने तो अभी अंदर चेक डैम ही बना दिया है पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा डैम बनाना शुरू किया है इन्होंने, जगह के अंदर ही उन्होंने पूरा चेक डैम बना लिया। मस्त, मुंबई से 105 किलोमीटर है और नासिक से 100 किलोमीटर है, तो ऐसी प्रॉपर्टी आप मत छोड़िएगा, आप ज़रूर छोटे छोटे प्लॉट से मिस नहीं करने जैसा है। क्या ब्यूटीफुल व्यू है, ड्रोन से इसके लिए दिखाता हूँ लोगों को कि सब पूरा आइडिया आ जाता है, आजू बाजू का भी सब डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी लोगों को समझ में आ जाता है। ये अभी खुद भी बंगलो प्लॉट्स अलग अलग पार्सल में निकालेंगे। ये लेआउट देखिए मेरा, ये छोटा लेआउट है, इसके अंदर नदी वाले प्लॉट्स भी दिख रहे हैं और नदी व्यू